क्रिकेट को नहीं देखना चाहते इन तरह की, उन लोगों को आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। एक मिनट सर, सर पहले बढ़ रहे हैं ये टी शर्ट हटाना है क्या? ये सब जरूरी सर। रोल आपको बताना चाह रहे हैं सर, आज का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें कितने दिव्यांगों की टीम है और इसमें आपको कितनी कठिनाई होगी क्योंकि अलग अलग तरीके के लोग इसमें खेलेंगे, और आप आने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे जो ये मैच देखने की इच्छा रखते हैं, जो नहीं देखना चाहते उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली हम ये टूर्नामेंट एक इंडिया में नहीं, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, तो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसके अंदर 5 कैटेगरी है, जैसे ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, व्हीलचेयर क्रिकेट है, फिजिकली चैलेंज है, वुमेंस क्रिकेट है, ये ऐसी पांचों कैटेगरी को हम पहली बार एक ही ग्राउंड और एक ही टूर्नामेंट में हम लाए हैं। हम यही सभी को दिखाना चाहते हैं कि दिव्यांग ये कोई मतलब एक अपाहिज नहीं है, उसके बाद एक दिव्य अंग है, तो वो अपना दिव्य अंग ग्राउंड पे या फिर समाज में वो अपनी प्रतिभा दिखा सकता है। अभी कल अगर आप देखोगे तो ब्लाइंड 4 मारता है, 6 मारता है, जो व्हीलचेयर पे खेलते हैं वो व्हीलचेयर पे बैठ के 2-3 रन दौड़ते हैं, वो भी 4-6 मारते हैं। जो फिजिकल चैलेंज है उनका किसी किसी का एक पैर नहीं है, वुमेंस में भी किसी किसी का एक पैर नहीं, एक हाथ नहीं है, तभी भी वो भी वो अपने जो अपंग तत्वों पे मात करके वो क्रिकेट खेल रही है और ये दुनिया को एक एक मतलब मिसाल दे रही है कि आप घर पे ना बैठिए, कि आपको अगर कोई मुसीबत आती है तो आप हमें देखिए और उसका सामना कीजिए। सर क्या वाकई इसमें कभी भारत सरकार ने आपका कोई मदद की अपेक्षा करी या BCCI ने कोई मदद की पेशकश की है? अभी तक तो दिव्यांग क्रिकेट के लिए ना गवर्नमेंट ना BCCI की तरफ से कोई भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता। हम जो भी हमारे जैसे जान पहचान वाले जो रहते हैं उनसे सपोर्ट लेके ऐसे इवेंट हम करते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि दिव्यांगों के लिए मैं सत्ता पुत्र हमेशा रहता हूँ, तो इस वक्त के लिए सर जी जैसे दिव्यांगों के लिए मोदी जी ने जो किया है वो अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, पर क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम है, अगर उसके सपोर्ट अभी मोदी जी अगर डायरेक्ट हमें सपोर्ट करेंगे, मोदी जी तक हमारी वो पहल उन तक पहुंचती नहीं है, तो अगर उनके पास वो पहल हमारी पहल पहुंचेगी क्रिकेट का है तो वो हमें कुछ सपोर्ट करेंगे। इस खेल में आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? सर मुश्किलों का सामना तो ये है कि स्टार्टिंग जैसे ग्राउंड से लेके पूरा टूर्नामेंट होने के लिए सामना ही करना पड़ता है। आज पहली बार है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने हमारे दिव्यांगों के लिए ग्राउंड उपलब्ध करवाया, सचिन को जिमखाना और कुछ हमारे सहयोगी है उन्होंने भी कुछ सपोर्ट करवाया और कैसे तैसे हमने ये टूर्नामेंट पूरा कर लिया। अभी एजाज खान जी से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? आपको एजाज खान जी के पास गए, आपने उनको इनवाइट किया, कितना उत्साह था? पहली बार हमने हमारी एक सोच थी कि जब हमारे ये टूर्नामेंट हो रहा है तो हमारी जो कमेटी है हमने सोचा कि एक कोई एक बिग स्टार या फिर एक अच्छा फेम तो ओपनिंग में आए, तो हम जैसे मिले तो हमारी नज़र में पहले ही सर का ही नाम आया, पर हम सोच रहे थे कि सर के पास जाएंगे तो सर हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, पर एक है कि इजाज़ भाई ने जिस दिन हम गए उस टाइम पे आई थिंक सो रात हो चुकी थी, उन्होंने हमें वक्त दिया और उसी टाइम उन्होंने ना कि कोई मेरी शूटिंग है, मेरा ये है वो है उन्होंने बोला, ना कि उनका रोजा है ये उन्होंने ना करते, उन्होंने बोला हम आपके लिए आ रहे हैं, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना वक्त में वक्त निकाल के आया है, तो ये मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा हमारे पूरे DCCBI और हमारे पूरे दिव्यांग क्रिकेट की तरफ से। एजाज भाई क्या कहना चाहते हो आप एसोसिएटेड इनके साथ हो रहे हो, कल आप ओपनिंग पे भी आ रहे हो, आपकी अच्छी ओपनिंग है, क्या मैसेज था आपका? आई फील ग्रेटफुल, मैं रमजान का महीना है और ये मानता हूँ कि 1 का 70 मिलता है तो शायद अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इन जैसे भाइयों को मेरे पास भेजा और मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज के बिजी दौर में आदमी आदमी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, कि सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है, सांप क्या जहर उगलेगा जो जहर आदमी उगल रहा है, सांप कोने में बैठ के हंस रहा है, आदमी आदमी को डस रहा है, और उस दौर में अगर आदमी आदमी के काम आ सके उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अपने आप को सिर्फ ये कहता हूँ अंदर से कि मुझसे बस मरने से पहले इतना काम ऊपर वाला ले ले कि मेरा जो जनाजा है वो हल्का हो जाए। हम ऐसा मानते हैं कि
कि जो जितने गुनाह करता है, जितने पाप करता है, जब वो मर जाता है तो उसका जनाजा बता देता है कि जो बड़ा भारी हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ वो हल्का रहे ताकि लोग इसको बदलते रहे और मुझे कब्र तक जब छोड़े तो फरिश्ते आके मुझे दबा ना दे और कहे कि भाई तूने अच्छे काम भी किए थे। और ये जो काम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में पहली बार हो रहा है। आजकल जिनके हाथ पैर है, जो अच्छे खासे, वो साले भीख मांगते हैं। और ये सिकंदर लोग हैं हिंदुस्तान के असली, जो स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे लोगों को जो रास्ते पे हाथ पैर होने के बाद, आंखें होने के बाद भीख मांग रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि क्रिकेट खेल के स्पोर्ट्स से ये पूरी दुनिया में एक मैसेज भेज रहे हैं। और मुझे इन्होंने अपना चीफ गेस्ट बना के, उसका पार्ट बना के मेरे पे एहसान किया है। एजाज भाई, आपकी अभी एक मूवी भी आने वाली है इंडियन करके, उसमें आप कोच का प्ले रोल किया, तो ये जो क्रिकेट को लेके ही एसोसिएशन है, कितना डिफिकल्ट था वो रोल आपके लिए निभाना, और जो अभी आपको हकीकत में जो हैंडीकैप हो के, ये लोग डिसेबल होके खेल रहे, तो वो कितना डिफिकल्ट है? ये देखो, एक एक सर्कल है। मुझे एक हैदराबाद से फोन आया, एक बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मैं साउथ में बहुत सारी फिल्में किया हूँ रामचरण के साथ, महेश बाबू के साथ, NTR के साथ, ये डायरेक्टर उस टाइम पे असिस्टेंट था, उसका एक फोन आया कि सर मैं एक फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहा हूँ, उसमें आप क्रिकेट के कोच हो। मैं बोला ठीक है, वो मैसेज क्या है? मैं स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत अच्छा मैसेज है कि ये कोच है जो बच्चों को क्रिकेट सिखाता है, लेकिन आज का जो माहौल है उसमें एक बच्चा हिंदू रहता है, एक मुसलमान रहता है, वो ग्राउंड पर लड़ने लगते हैं। वो उसको बोलता है मुल्ले मैं तेरे को देश से निकालूंगा, वो उसको बोलता है अबे तुम्हारी माँ के टीके वाले, मैं तुमको निकालूंगा। और मेरा जो कैरेक्टर है वो देखता रहता है और वो जाता है, उनको बोलता है बोले यार मैंने कभी सचिन को और अजरुद्दीन को लड़ते हुए नहीं देखा हूँ। हाँ देखा हूँ लड़ते हुए, लेकिन साथ मिलकर देश के लिए लड़ते हुए देखा हूँ, देश के खिलाफ लड़ते हुए नहीं देखा हूँ। तो बड़ा अच्छा मैसेज लगा मेरे को उसमें, बहुत अच्छा फिल्म है, उसमें अच्छा मैसेज है कि देश के लिए खेलो, देश के लिए करो, धर्म के लिए मत खेलो, धर्म के लिए मत करो, कोई भी चीज़ देश के लिए करोगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला, कल मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं बता रहा हूँ कि इस बार देश को बचाना है तो अपने वोट को मत बेचना। मतलब देश में आप सुधार भी चाह रहे हो, देश में बदलाव भी चाह रहे हो, मोहल्ले में पानी चाहिए, रास्ते बनने चाहिए, एक बेवकूफ़ आके आपको बोलेगा आपका वोट 5,000 में बिक रहा है, बेचेंगे क्या आप? और आप बेच दे रहे हो। फिर आपका कुछ हो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम, तो आप वो नेता के पास जाके रो रहे, अरे वो सुनेगा थोड़ी, वो तो बोलेगा आपने वोट बेचा है, 5,000 में वोट खरीदा और मुझे दिया है, मैं आपकी मदद क्यों करूं? मैं खाली पैसे जमा करते रहूंगा और आपको बर्बाद करते रहूंगा। तो इस बार मेहरबानी करके मेरा रिक्वेस्ट है, इन लोग से भी कुछ सीखिए, ये लोग देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। देश को अगर बेचना है तो वोट बेच दीजिए, बाकी आपकी। सर, जिस तरह से IPL और अदर क्रिकेट के लिए लोगों में एक रुचि होती है, वही डिजेबल लोग के लिए किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि इनका मैच भी देखिए और इनका मैच उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट है? यार मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि इनका मैच देखने में ही एक मज़ा है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम तो खेल रही है, मेरे हिसाब से ये इंडियन क्रिकेट टीम से बड़े लोग हैं, उनको भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सारे क्रिकेटरों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको इनको सपोर्ट करना चाहिए कि लोग देखें। और हमारे देश के लोग, पहली बार पूरी दुनिया में ये हो रहा है और वो कर रहा है इंडियन लोग, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी प्राउड की बात क्या हो सकती है। सर, जिस तरह से ये जो अलग अलग कैटेगरी के आपने दिव्यांगों को जोड़ा है, तो सर जो ब्लाइंड है उनको कैसे समझ में आएगा कि बॉल कहाँ जा रही है या बैट्समैन ने क्या कर रहा है? वो तो देख नहीं पाएंगे सर। सर, इस बारे में हमारे मानवेंद्र सिंह जो है ये ब्लाइंड से, तो वो ठीक से बता पाएंगे। नमस्कार और वेलकम अयाज सर, आपने शायद ये वाकई हिस्टोरिकल है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में है कि BCCI या जो कहते थे कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तो BCCBI के अंडर में जो ये सारी ब्लाइंड की, डेफ एंड डम की, वुमेन की, इतने लोग सब इंडिया से आ करके, इसमें इंडिया ये हर जगह से हमने प्लेयर्स, बंगाल से भी हैं, MP से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, तो एक तरह से जो मेगा लगाया है उसके लिए रमेश जी, गजल मैडम, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ब्लाइंड क्रिकेट को प्रेजेंट करता हूँ और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन।
हम समाज को अपने साथ और समाज के साथ उसको जोड़ने का एक जरिया है, तो इससे बढ़िया जरिया नहीं हो सकता। अब मैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में बताऊँ तो ब्लाइंड क्रिकेट बेसिकली हम लोग तीन फॉर्मेट्स हैं कि आपको कैसे पता चले। तो सबसे पहले for a hair transplant, whom would you like to get it done from? A technician or a senior most MD dermatologist doctor who has more than 8+ years of work experience? Hi everyone, I am Mihir Bhosle, director of sales and marketing with Assure Clinic. I've been associated with Assure Clinic the day when we just had one center in Mumbai in Andheri, and today we have expanded ourselves with 15 centers across the globe. Today we have a huge team of 54 senior MD dermatologist doctors who completely do the procedure right from extraction to implantation. Both the things are being taken care of by the senior most MD dermatologist doctors at Ashok Clinic. We have done more than 18,000 plus successful hair transplants. With Ashok Clinic, you can go from this to this in no time. We give it to you in writing for 25 years for every single graft that we plant on your scalp without any terms and conditions. Once you are on board with us, your hair becomes our responsibility for the rest of your life. We are coming to your city on these dates. For any of your hair and skin concerns, kindly visit us. Thank you. सर और बताइए कि किस तरह से अभी जो मैच है तो उसमें जो एम्पायर होंगे दिस न्यू ईयर सी द वर्ल्ड फॉर लव उनको डिस्कवर होटल डील्स ऑन द एगोडा ऐप सेलिब्रेट क्रिएट मेमोरीज एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड डाउनलोड नाउ अभी तक हम लोग इंटरनेशनल 127 मैच खेल चुके हैं और नेशनल लगभग
We'll meet nearly 80,000 people in our lives. If you can't remember my name, please sit down. Sit down if you didn't know my nickname at school was Princess. Sit down if you don't know about the one who got away. If you've never seen me cry. Take a seat. If somehow we've lost touch. If you have a moment now. For the people we'll meet, only a few become special to us. Stay close. Nescafé Gold. For the moments that matter. वायर नीचे बराबर देखना, दो जन आप लोग इधर आ जाओ, सुहेल थोड़ा पीछा साथ में आ जाओ, चलिए एक मिनट एजाज भाई रुक जाओ, If you've never seen me cry, एक मिनट रोल करना है रिवील, ओके चलो Take a seat. If somehow we've lost touch. Do you have a moment now? आपके साथ आएगा. For the people we'll meet, only a few become special to us. Stay close. Roll. Okay. Nescafé Gold. For the moments that matter. Five winners trophy, five runner-up trophy. What a joke! In this, we have all different categories. We all give them. Jai Hind. The best win.